अस्सलामुअलैकुम क्लास, मैं आपकी टीचर मंजरू ज़हरा। सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है, उसे हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन में हमने आज चैप्टर 1 में ये सीखना है कि स्टेट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आज का टॉपिक हमारा यही होगा, स्टेट्स की डेफिनेशन और स्टेट्स की करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, पहले बात करते हैं स्टेट्स की डेफिनेशन की। तो स्टेट्स को 2 सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, 2 तरह से हम स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इन सिंगुलर सेंस, दूसरा है इन प्लुरल सेंस। सिंगुलर सेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर सेंस में स्टेट्स का मतलब होता है बॉडी ऑफ मेथड्स, जहां पर हम बहुत तरीकों से बहुत डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज और इंटरप्रिटेट कर रहे होते हैं। मतलब पॉइंट्स बनाकर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालाइज ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये डेटा क्या है, इसका वर्ड मैंने बार बार यूज़ किया। डेटा का मतलब होता है किसी भी किस्म की मालूमात, और स्टेट्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है स्टेट्स हमारा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हम थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, स्टेट्स की डेफिनेशन के हवाले से, इसकी बेसिक टर्म्स के हवाले से हम स्टडी करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है और आगे जो है वो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो डेटा का मतलब किसी भी किस्म की न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन डेटा कहलाती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा यानी स्टेट्स में आप डेटा को हासिल करते हैं। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी स्टेट्स के अंदर आप मालूमात को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो करते हैं टेबल्स के जरिए, डायग्राम्स के जरिए। थर्ड लिखा हुआ, एनालाइज ऑफ डेटा यानी स्टेट्स में आप मालूमात को एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं मालूमात का कि जो भी मालूमात है उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, और वो फिक्र करते हैं अपनी मालूमात के ऊपर। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब है कंक्लूजन देते हैं आप मालूमात का कि जो मालूमात आपके पास अवेलेबल है उसका रिजल्ट क्या रहा। तो होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है कि स्टेट्स में आप ये सारे काम परफॉर्म करते हैं, मालूमात को, डेटा को हासिल करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, डेटा को एनालाइज करके फिर उसका रिजल्ट देते हैं, तो ये स्टेट्स कहलाती है इन सिंगुलर सेंस। ठीक है जी, अब बात करते हैं इन प्लुरल सेंस की। तो इन प्लुरल सेंस का मतलब ये है कि डेटा एग्रीग्रेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, यानी डेटा की जो मालूमात आपके पास है उसका मजमूआ, मजमूई तौर पर आप अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो वो कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स। यानी मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई है यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्राइस, स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेजेस, वेट, बर्थ, डेथ, मेल एंड फीमेल्स, इन सब के बारे में अगर आप एग्रीग्रेट कोई न्यूमेरिकल फैक्ट्स दे रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं, तो वो प्लुरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। ठीक है जी, तो ये दोनों तरह से बात हो गई स्टेट्स की, सिंगुलर भी और प्लुरल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीग्रेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स में आप मजमूई तौर पर जो मालूमात होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हो। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मालूमात आपके पास है तो वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगी। अगर मैं कहूँ स्टूडेंट ए गेट 72% मार्क्स इन स्टेट्स या इन अकाउंटिंग, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स के अंदर 75 मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये स्टेट्स नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि तमाम स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक्स में मार्क्स इतने आए हैं, तो अब ये स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगा, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एग्रीग्रेड की। उम्मीद करती हूँ क्लियर हुआ होगा। अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। अगर एज अ होल एग्रीग्रेड बात कर रहे हैं, आप मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट होती है, पहली करैक्टरिस्टिक्स। दूसरा है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि स्टेट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में आपके पास होता है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते न्यूमेरिकली वो स्टेट्स में नहीं आएगा, लाइक कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर्स, ये स्टेट्स में काउंट नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर की बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स की थर्ड क्वालिटी लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड वैरायटी ऑफ कॉजेज। मतलब स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट होते हैं, अब जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, वो असरअंदाज होती हैं डिफरेंट किस्म की वैरायटीज की वजूहात की वजह से। लाइक प्राइस है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस आपके पास है, तो प्राइस अब इफेक्ट होती है सप्लाई से,
डिमांड से, फैशन से, सप्लाई चेंज हुई, प्राइस चेंज हो गए, डिमांड चेंज हुई, प्राइस चेंज हो गया, तो प्राइस इफेक्टेड होता है, डिफरेंट रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर यही बात मैंने लिखी हुई है कि जो भी मालूमात होगी आपके पास स्टैटिस्टिक्स, वो इफेक्टेड होगी, असरअंदाज होगी डिफरेंट वजूहात की वजह से। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वालिटी, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर्स। जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्ट करने का मेथड क्या होगा, तरतीब से, सिस्टमेटिक मैनर में आप कलेक्ट कर रहे होंगे तो ही वो डेटा आपके लिए रिलायबल होगा और एफिशिएंट होगा। अगर आपने सिस्टमेटिकली काम नहीं किया, तरतीब से काम नहीं किया, तो जो मालूमात आपने हासिल की है स्टैटिस्टिक्स की, वो रिलायबल नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी आपके लिए। आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस। इसका मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स में जो मालूमात आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो पहले से आप जानते हैं कि मेरे मिशन के लिए, मेरे ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए क्या मालूमात रिलेवेंट है और क्या मालूमात इररिलेवेंट है। तो आप पहले से ही इररिलेवेंट मालूमात को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब जो चीज़ आपके लिए रिलेवेंट है उसको रखो, जो इररिलेवेंट है उसको इग्नोर कर दो। और इसके ज़रिए हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स के सिक्स पॉइंट क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यानी जो भी मालूमात आपके पास होगी वो कनेक्टेड होगी एक दूसरे से। अगर आप कनेक्टेड मालूमात नहीं दे रहे तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगी। अब एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं कहूँ किसी स्टूडेंट की हाइट और मैं कहूँ कि उस स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में मार्क्स या अकाउंटिंग में मार्क्स, तो ये हाइट और मार्क्स दोनों इररिलेवेंट है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का, तो ये चीज़ स्टैटिस्टिक्स में काउंट नहीं होगी। अगर मैं कहूँ एक स्टूडेंट का हाइट की हाइट और उस स्टूडेंट का वेट, अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रिलेवेंट है, ताल्लुक रखती हैं एक दूसरे से, तो अब हम यहाँ पर कहेंगे ये स्टैटिस्टिक्स में काउंट होगी। रिलेशन होना चाहिए दोनों मालूमात का आपस में। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा सेवन पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेसी। इसका मतलब ये होता है इन्यूमरेटेड का गिना हुआ, गिनना, काउंट करना, और एस्टिमेट का मतलब होता है एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन जो होती है, अजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप अपनी जो आपके आंसर आते हैं स्टेट्स के अंदर, डेटा जो आपके पास होता है, इसे हाइट है, उसमें कुछ इंच में आंसर आ रहे होते हैं, तो इंचेस को, फ्रैक्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही वेट में होता है, कुछ आंसर आपके हाइट में आ रहे होते हैं, पॉइंट में आ रहे होते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस से स्टैंडर्ड पर, एक्यूरेसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फ्रैक्शन को इजीली स्टेट्स के अंदर चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक ये बात हो गई हमारी, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्टेट्स क्या है हमने सीख लिया, कि किसी भी मालूमात को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और फिर उसको कंक्लूजन देना, रिजल्ट देना स्टेट्स कहलाता है, और फिर ये इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कुछ डेटा वगैरह के हवाले से, कि डेटा क्या होता है और कितनी टाइप्स के डेटा होते हैं। यहाँ तक के रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, इसको समझ में कुछ ना आए तो आप सवाल पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।